ऊपर से झोली से लाके भीख मांगे तो हमला उम्मीद आगरी से हम आगे बढ़ खाना भी है लेकिन वो पिताजी जिताना भी पहले नांगर चले तो नांगर जोते फंदे भी आदमी सामने कई लाख दौलत भी रख दी ना फिर भी वो दर्द नहीं छुपा शरीर से पूरा हमारे हिंदू समाज के हमारे जग का जनता भाई बहनी ऊपर पूरा ब्लॉक में अपन के स्वागत है। फिलहाल में पहुंचे हूँ हमारे साझा विधानसभा के क्षेत्र के विधायक जेखर नाम है नामी विधायक मानी श्री ईश्वर साहू जी के घर और घर के आप मन ले वीडियो देखा के प्रयास करूँ और मीडिया वाले भैया मन भी आए जिन लोग पूरे वीडियो देखा के प्रयास करूँ तो मोर ब्लॉक में अपन बिल्कुल नहीं रहो और आप मन लोग घर के वीडियो देखा के प्रयास करने वाले की अचानक से आप मन लोग पता चली कुछ पता नहीं रही से ऐसे अचानक हुई से हम तो गरीब हन तो उसका दूर पहुंचे के तो हम लोग कोई उम्मीद नहीं रही हम सपना भी नहीं सोचे रहे थे हम यहाँ तक पहुंच जब करके लेकिन वहाँ से ऐसे ऊपर वाले ऊपर से और मोदी जी के धन्यवाद और जनता के जो जनता मेहनत करी से तो दिल खोल के जी दे के धन बल पूरा मन से पूरा ना सहयोग करी से और मेहनत भी करी से और ऊपर आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा तो जैसे कि टिकट मिली बाद गांव में धीरे धीरे पता चली तो ईश्वर साहू जी वो भी बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले तो गांव वालों में प्रतिक्रिया किस रही गाँव वाले एक भी अच्छा रही से पूरा हमारे हिंदू समाज के हमारे जत का जनता भाई बहनी ऊपर पूरा सहयोग रही। अच्छा अरे कृष्ण भाई तो ये बतावे अब पहली की जिंदगी और अब की जिंदगी में का अंतर देखो तो पहली एक सामान्य व्यक्ति अब विधायक के बेटा है आपको तो कैसे लगते और गांव घर में का प्रतिक्रिया देखने मिला थी? पहली तो वही रही से मैं दसवीं पढ़ के छोड़ दे रहा हूँ अच्छा। वही रही कि पढ़ूँ कुछ और पहले मजदूरी करत रहूँ अच्छा। अब कुछ साल यही करूँ नौकरी उकरी देखूँ अच्छा। अब पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखूँ हाँ आगे जारी रखूँ पढ़ाई लिखाई नहीं पहली गरीब रहे तो वही दिखे खेती खा किसानी मजदूरी करना रही से बनी होती अब दूसरा उम्मीद जगी। जैसे कि आप मना गांव में अभी जात वात हो तो सब कोई आगे से आप मन बात कर रहे थे कि प्रतिक्रिया किस मिलती है कि लोगन मन के नहीं पहले जैसे मिले थे दोस्त यार अब कोई कोई बोलते कि हाँ विधायक विधायक करके बोलते लेकिन पहले जैसे मिलत मतलब दोस्त मतलब पहले जैसे ही माहौल हाँ, अच्छा आप मतलब कैसे लगे थे बताओ कि अब कहे जाते कि पहले एक मजदूर करैया के आप मन पत्नी रहा अब विधायक की पत्नी हो गए तो कैसे लगते हैं? पहले तो गरीब घर जन्म धरेन गरीब माता पिता रही से हम भी गरीब रहे हैं खेती किसानी रोजी मजूरी करत रहे न वही कमा के खाते रहे लेकिन अभी भी अपन जैसे गरीब हैं वैसे गरीबी से जिंदगी चलाबो और जो सोच हम लोग कुछ होती से आदेश मिली वो हम जनता के पालन करबो और जनता खुश तो हम भी खुश रहते। अच्छा हम लोग ये भी बतावे कि सोशल मीडिया में तरह तरह के बात अभी जैसे फैले हुए कि अलग अलग चैनल खोल के देखा तो दिखा कि रिक्शा चलाते या तो सब्जी बेचते या बकरी चराते ऐसे ऐसे बहुत सारा बात फैले तो आप मन ही बतावा कि ईश्वर साहू जी का काम करत रही थी तो ये गाँव में रही से अब गरीब हन तो रोजी मजूरी तो जरूरी छे पेट भरना तो खेती किसानी कोई भी बुलाए तो बनी में रोजी में सब जात रही से अच्छा। फिर धीरे धीरे वैसे बाढ़ी से शादी ब्याह हुई से फिर साथ में तो एक के साथ दूसरा हो गए फिर गरीबी से अपन शहर चले गए नागपुर गए रहे फिर नागपुर में रिक्शा चलात रही से वही सब्जी मंडी में काम करत रही। तो कितना दिन तक आप नागपुर में रहे? वो तो 20 साल रहे नागपुर में हाँ यहाँ रह कितना दिन हो गया आप ऐसे बीच में भी आना जाना करत रहे लेकिन खुद अभी ना मतलब 5 साल हो गया है। अच्छा अच्छा ये बताओ बीच में अमित शाह जी भी आ रही सब तो अमित शाह जी साझा विधानसभा में सभा लिए रही थी तो आप मतलब मिले के मौके मिले रही थी? हाँ मिले हैं। तो का आप उनके बीच में का गोल बात हो रही थी? और जो अपन आशीर्वाद देना रही से चार के साथ चर्चा करना रही से वो चर्चा करी से और मस्त व्यवहारी मैं तो मोर बेटा के घटना हुई से फिर मैं बहुत न्याय के गुहार लगाए पूरा मैं बोले मोला कुछ नहीं होना सिर्फ इंसाफ होना तो मोला इंसाफ नहीं मिलीस ना तो ये चुनाव में खड़ो कर रही से तो मैं सबके तरफ गयो घर गांव गयो हर दीदी भाई बहनी से मैं हाथ जोड़ के विनती करें झोली फैला के भीख मांगे मोर बेटा के इंसाफ होना मोला ओकर से मैं आशीर्वाद ले और जनता मोला आशीर्वाद भी दी से और इंसाफ भी दी से। तो लगता है कि यहाँ के जो जनता मन वोट के साथ आप बोले इंसाफ दे दी दे दी
उनका आशीर्वाद फूल मिलिस मोला। अब एमे जनता भी बहुत मेहनत करी से, मैं मेहनत नहीं करे जनता के मेहनत है, जनता के जीते है। तो अभी भाई ये बता कि अब तो आप मन के पापा मन ज्यादा रहत नहीं है, हाँ। अब जैसे विधायक जी बन गए है तो शायद समय कम, तो कभी ऐसे लगते कि पहले ज्यादा खुश रही से ईश्वर साहू जी की अब ज्यादा खुश का लगते? तो पहले मतलब घटना से पहले मतलब खुशी परिवार, लेकिन घटना के बाद से चेहरा पूरा मुस्कुराहट छिन। अच्छा, तो विधायक बनने के बाद कुछ लगते कि मुस्कुराहट वापस आ गई कि अभी भी वैसी है? अभी वही दर्द है सीना पूरा, कतनो भी आदमी सामने कई लाख दौलत भी रख दी ना फिर भी वो दर्द नहीं छुपा सकता। अच्छा। चाहे विधायक बन जाए कि कोई मंत्री बन जाए, लेकिन एक बेटा खो के दर्द तो अभी नहीं, अभी नहीं। ओला कहा करो भैया पैसा हम है, पैसा का अपन साथ तो कभी लेके जाना, वो दो वक्त जो खुशी बिता रही परिवार साथ वही हमेशा याद रही थे। अच्छा अच्छा, ईश्वर साहू जी मन कभी ये चर्चा कर रहे थे कि मैं विधायक बन गया, तब वीरनपुर के लिए साझा विधानसभा के लिए पहले ये काम कर रहा हूँ, इससे कुछ उखर मन की कोई मनसा उनसा हो है? वो तो जैसे ऊपर से आदेश आई बोला हम नहीं, फिर भी एक रहते नहीं कि हमने हाँ ये मोर गांव घर ये मोर विधानसभा क्षेत्र, हाँ। तो ये काम होना जरूरी है, हाँ, कुछ तो चर्चा करत हो ही। हाँ, वो तो जरूरी है, चार जनता अभी जो मजबूरी से चला थे, विकास कोई जगह नहीं हुए तो बोला तो हम कर दो। अच्छा, हो गया चुनाव बाद रिजल्ट आई, तो जब रिजल्ट आई तो आप मतलब पता चली, अगर पूरा रिजल्ट की बात करें जिन दिन मतगणना चले थी से, वो दिन मन में का रही से आप मन के? मन में तो वही रही से हम हर गांव गए, हर जनता के से आशीर्वाद लेन और हम ऊपर से झोली फैला के भीख मांगे, तो हमला उम्मीद आगरी से हम विश्वास रही से विजय हो जाए। हाँ, विश्वास रही से जनता के आशीर्वाद। अच्छा, कृष्ण भाई तो मन में का चले थे? नहीं, मैं तो वही देवेतर हम रहो गिनती 100 दिन। अच्छा, पहला राउंड चली से तो ऐसे लगी थोड़ा भय लगी मन में। अच्छा। जब मन 900 वोट से आगे रिस ना। अच्छा, रविंद्र चौबे, मैं रविंद्र चौबे, ऐसे लगी कि थोड़ा चिंता हुई से जब पांचवा राउंड में जब फाइनल टच हुई ना तो 2000 वोट से आगे रहे, फिर विश्वास जागी कि जनता मन अपन वोट ला सही जगह दे है, विश्वास जागे कि अब जीत जाए मतलब जैसे और आप मतलब एकदम पूरा उम्मीद होगी कि अब हम जीतने वाले हैं, तो गांव और घर के माहौल का रही थी और वहाँ तो जब दीपेश साहू है मतलब ओखर नाम है भैया, अच्छा दीनदयाल क्या नाम है भैया पूछना, अच्छा तो ओखर तरफ से डीजीआई से तो वो डीजे माँ दयाल दास के नारा छोड़ मोर पिताजी के नारा लगी से, दीपेश के घोषणा तो ओमा भी डीजे लगी ना, तो ओमा भी नारा मोर पिताजी लगी से कि जीतना है तो ईश्वर भैया जिताना है हम अल्लाह, तो बीजेपी लाने वो बात अलग है लेकिन ईश्वर भैया जिता करके ओकरे नाम से नारा जैसे कि पार्टी अलग है लेकिन ईश्वर साहू जी आना, हाँ आना चाहिए। अच्छा, मतलब की ऐसे टाइप से जैसे कि सरकार बैठाना भी है लेकिन पिताजी जिताना भी। अच्छा, अगर हम बीरनपुर की बात करें आप मन के गांव के, तो यहाँ के जो का स्टेटस रही सब वोट के, क्या वोट से आप मन जीते की हारा का हुई थी यहाँ? अच्छा रही से जीते हैं गांव से। यहाँ लगभग कितना वोट से जीते हैं आप मन? 29 वोट से जीते हैं, मतलब यहाँ टक्कर थी, टक्कर रही से दो तरफ से रही से, और पिछले जो बापना जी खड़े रही से ओमा भी हमारे गांव से एक वोट से जीते रहे। अच्छा। मतलब के मैं यहाँ ना बहुत टक्कर के मुकाबला होते कांग्रेस जी के। अच्छा, जैसे कि आप मतलब टिकट के पता चली टिकट मिल गए, लेकिन आप मन के विपक्ष में कांग्रेस कद्दावर नेतरी से रविंद्र चौबे, तो समय मन में कैसे लगे कि वो तो कांग्रेस में मंत्री है और ऊपर से 7 बार के विधायक रह चुके है, एक खिलाफ लड़ने है, तो समय का आती से मन में? वही मतलब की हफ्ता भर ना मन में थोड़ा दूसरा प्रभाव कर की जीतबो की नहीं, अब तो बड़े नेता सामने मैदान में खड़े हो गए, जब वो प्रचार में निकले चालू कर, जब मैं देखे हूँ सोशल मीडिया में
विश्वास हो गए कि जीतता है, वही समय विश्वास हो गए कि रविंद्र चौबे जहाँ जाए ना तो ओमा सिर्फ वो पैसा देख लेगा, एक आदमी 500 रुपया दे सुनैया है सच है कि नहीं नहीं पता, लेकिन एक आदमी ला प्रचार में जाए 500 रुपया भीड़ इकट्ठा करब 500 रुपया दे और हमन हाँ कोई चाय पी 5 रुपया नहीं दे हन, तो वही पता चल गए कि कौन जीती हाँ, और ओखर में पैसा देख बावजूद भी 50 से 60 आदमी प्रचार में लोकतांत्रिक देश कहे जाते भारत देश वाकई में लोकतंत्र के ताकत दिखी से हाँ। ओखर में पैसा देख बाद भी 50 से 60 जन प्रचार में जाए वो हमारे में 300-400 आदमी बिना बोले खुद सुबह घर में आज प्रचार में जाए बाइक उइक सब में और सुबह हम सिर्फ उमर ला नाश्ता दें सुबह सा जाए भैया 7 बजे से मिलना है प्रचार में जाने तब सिर्फ हम नाश्ता बस बना खिलान मल्ला चाय नाश्ता और मैंने 1 रुपया भी आज तक हो गया कि मोला चाय पीना है मोल नाश्ता करने करके अभी तक नहीं मंगे है हमारे सिर और ये पता चल गया कि जनता प्रति हमारे प्रेम दिखी। अच्छा ये बताओ कि साजा अमित शाह भी आ रही साजा विधानसभा हाँ। कहाँ साजा मारी साजा मारी तो वहाँ चुनावी भाषण हुई तो बता मतलब मिले के भी मौका मिली तो है हाँ नहीं मतलब कि साजा में जो अमित शाह जी आए गृह मंत्री तब मोला स्वागत में रखे रही से और बाद न गांव बहुत झन ले गए रहो साथ में वो दिन अच्छा। मतलब कि एक प्रकार से मोर भार मिल गई उस दिन की जिम्मेदारी टाइप से की एक जिम्मेदारी तो ले अच्छा चल आ सके तब जो कार्यक्रम हुई फिर मतलब खाना खिलाए कार्यालय में और बाद में सुरक्षित घर छोड़ अच्छा जैसे कि आप मन के पापा भी वहाँ मौजूद रही सब अमित शाह उखर बीच में कुछ चर्चा हुई सुनी तो आके चर्चा करी थी कि अमित शाह जी लंग मोरे गोट बात हुई थी इससे कुछ आप मतलब पता चले नहीं हम पूछबे नहीं करें भैया का वो थक जैसे पूरा दिन भर पैदल चलना बिना खाना पीना तो हम पूछबे नहीं करें पहले से प्रचार के जो रिसे टेंशन रही थे थोड़ा बहुत हर आदमी रहते प्रचार के तो हम ओला ना पूछबे नहीं करें हम लोग पता चल जाते सोशल मीडिया पूरा देखा था तो मैं पूछबे नहीं करें। अच्छा आप मुझसे मैं जानना चाहूँ कि अब तो विधानसभा चुनाव भी हो गए आने वाले कुछ महीने लोकसभा के होने के बाद पंचायत के चुनाव ना होने वाले है तो कहीं ना कहीं एक अगर आप मतलब मौका दिए जाए सरपंच के चुनाव के लिए अगर उम्मीदवार के रूप में अगर उतारे जाए तो क्या आप मैंने चुनौती स्वीकार कर हूं? नहीं ऐसे कहे नहीं जो हमारा वो भाई है वो मन मतलब गांव बस्ती के मन कर ही नहीं कर सकन मान लो आप मन के पूरा गाँव घर के मन अगर आप मन के आप मतलब खड़ा कराना चाहिए कहीं कि खड़ा हुआ हम जिताबो तब वो हिसाब से आप मन खड़ा हो कि नहीं हो तो आगे के आगे देखे जाए। अच्छा लेकिन सोच सकत हाँ अब सोच भी अभी नहीं है लेकिन जो जब के बाद तब देखे जाए जब क्या मतलब चला देता है तो अगर आप मतलब मौका मिले आप कहे कि आप ईश्वर साहू जी तो ऐसे भी विधायक हैं तो अगर मौका मिली आप मतलब कि सरपंच के लिए खड़ा होगी तो आप मन खड़ा हो नहीं जो सहयोग भाई बहनी रही से उकर से मैं उम्मीद करत हो मन लड़ सकते अच्छा जो आप मन के सहयोगी हो मतलब मौका दे वो मतलब मौका दे वो मन कर सके। अच्छा देखा ये एक बहुत अच्छा सोच है कि देखा यहाँ तो ईश्वर साहू जी विधायक बन गए लेकिन ये मन चाहा था कि एक घर से विधायक तो ऑलरेडी एक पर्सन ही है लेकिन इधर मन के जो सहयोगी हो मतलब एक बार मौका देना चाहते तो ये बहुत ही अच्छा सोच है। अच्छा अच्छा ये बता कृष्ण भाई का है कि अब पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दे कि आप मन के पापा की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो मोर पापा तो 5वीं तक के पढ़े थे उसके बाद गरीब रहे हमन हाँ तब इसमें छोड़ दी वो खेती के समय भीड़ गई पहले नांगर चले तो नांगर जोते फंदी वो चालू कर दी शायद आप मन की भी पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं हो पाए तो अब पूरा करना चाह हाँ मोला तो 2 साल हो गए छोड़े 10वीं पढ़ के छोड़ दो मैं हाँ बाद वही दिखी मोला मजदूरी उजदूरी तो 10वीं तक पढ़े फिर छोड़ दे अब कोशिश करूँ आगे तक के पढ़े के जहाँ तक हो सके। अच्छा मैं ये भी जानना चाहूँ कि अब तो ईश्वर साहू जी मतलब सुरक्षा भी मिले हैं तो कहीं भी जात हो तो काम में सुरक्षा भी जात हो है तो यहाँ हर बीरनपुर में सुरक्षा के साथ एक अकबर आए कि नहीं आए हैं रोजे आते साथ में रहते ना कर। अच्छा तो अभी विधायक बने के बाद ऐसे बहुत समय होते हो कि आप मन ज़्यादा आप मतलब वक्त नहीं दे पाते हो है ज़्यादातर बाहर ही रहते हो है हाँ अब बाहर बाहर जाते हम हमन भी सवाल नहीं करन चार के साथ आना जाना करत थे बैठत उठत थे तो थोड़ा दिमाग भी कभी अच्छा रहते कभी खराब भी रहते वजह से ना हमन ज्यादा ओकर साथ बातचीत नहीं करन कुछ बताना रहते ना
तो अपन खुदे बोलते मैं गांव में गए हूँ तो मोर बहुत अच्छा सपोर्ट मिली से, लाड़ प्यार दुलार मिली से, आशीर्वाद मिली से करके हम लोग खुदे बता देते आगे। तो जैसे शाम तक घर आती, शाम रात तक, तो वो पहली जैसे बात करते कि सिर्फ राजनीति मुद्दे में ही बात करते? नहीं, अपन जैसे रहे पहली वैसे बात करते। अच्छा। अभी तो राज में उतरे नहीं तो कहाँ से बात करी। अभी तो विधायक बने के बाद भी कोई बदलाव नहीं है, अभी भी तो हम आम आदमी हैं, तो कहाँ से अभी पद में जो गए नहीं है तो कहाँ से बात करी। अपन जैसे परिवार के साथ है ना, वही पारिवारिक बात करते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी 90 विधानसभा में बीजेपी उतारे दी सब विधायक के लिए, और जितना भी विधायक जो बने, अगर दूसरा पार्टी के बात करें, बीजेपी से बात करें चाहे कांग्रेस से, वो सब में ज्यादा चर्चित चेहरा ईश्वर साहू जी है। और जहाँ भी देखा जितना भी विधायक, सबसे ज्यादा चर्चा होती ईश्वर साहू जी के बारे में। तो कैसे लगते है सुन के कि आप उनके पति के बारे में पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा देश में चर्चा होती है? वो तो पहली अब मोर बेटा ला तो लेगी, लेकिन हम वही एक गुहार लगाएं, मोर से मोर गोदी सुना हुई से, वैसे कोई भाई बहनी के गोदी सुना मत होए। एक भुवनेश्वर मोर ला मारी से तो कल दूसरा भुवनेश्वर ला मत मांगे, मारे करके हम ना इंसाफ के गुहार लगाएं, हम न्याय मांगें तो हमला जनता है इंसाफ दी से, न्याय दी से, ओकरे से हम बहुत अच्छा हवन। अच्छा, शराबबंदी के बारे में कुछ कहना चाह, कहे कि शराबबंदी भी एक मुद्दा रही सब है, और कहीं ना कहीं लगते कि शराब बंद होना चाहिए, तो एकर लिए ईश्वर साहू जी कुछ सोचा थी? हाँ, शराब बंद होना चाहिए। वही शराब जगह के तो नहीं बंद होए, जहाँ जहाँ ये है, अच्छा, लाइसेंस है, हाँ हाँ ठेका है, वहाँ वहाँ के तो बंद नहीं होए, लेकिन जो गांव में हर गांव में बिकत है वो बंद होना चाहिए। ओकर वजह से छोटे छोटे बच्चा मन पिया थे, स्कूल जाते वो बच्चा मन पिया थे, कहीं छेड़छाड़ी, कहीं अदमाशी बदमाशी करा थे, मारपीट भी चला थे, वही वजह से तो आज मोर लड़का खोए में है। छोटे छोटे बच्चा के वजह से वही से सरापा व्यवहारी दुनियादारी, फिर वो वजह से आज मैं खोए मोर बच्चा ला, तो ये नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चा जो उम्र है उकरे साथ मतलब देना चाहिए वो मन ला, और गाँव गाँव के पूरा बंद। जितना भी अवैध रूप से जो भी अपन जैसे चला तो वैसे भाई बहनी से व्यवहारी हर गांव में चलाए, और इसे बना के रखे हर जनता, छोटे छोटे बेटी बेटा मन भी, और जो दे थे ठेका से वही ठेका से दे, गांव के पूरा बंद करे। तो संगवारी हो, ये वीडियो आप मतलब कैसी लगी इससे लगा के कमेंट में बिल्कुल बताना है, और ऐसे वीडियो देखे पर मेरे चैनल अपन बिल्कुल जुड़ी रहो, और इस विधा के साथ आप जो मुझे राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।